हैं, मगर पूरी दुनिया के अंदर जब पानी दूषित हो जाएगा, आपके आरओ काम नहीं करेंगे, आपके फिल्टर काम नहीं करेंगे, और आप जो देश विदेशों में भी वही हाल होगा, आप वहां से भी पानी नहीं मंगा सकेंगे, फिर क्या हाल होगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय उसके 8 और 9 पद से दूसरे सरदूत के तुरी फूकने पर जो विपत्ति इस दुनिया में प्रकट हुई है उसके बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसके 10 और 11 पद में कि तीसरा सरदूत जब तुरी फूकता है तो कौन सी विपत्ति आती है। आइए हम पहले इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसका 10 और 11 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तीसरे सरदूत ने तुरी फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। जी हाँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब यहां पर जो है तीसरा जो सरदूत जब तुरी फूकता है तो एक मुसीबत, एक बड़ी भयंकर मुसीबत और एक परेशानी जो होती है इस दुनिया पे आती है। एक बड़ा तारा जो मशाल के समान चलता था स्वर्ग से टूटा, उस तारे का नाम नागदौना है और एक तिहाई नदी और जल के स्रोतों का पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, बहुत से मनुष्य जो है पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो पानी कड़वा हुआ है, दूषित हुआ है पानी, ये पीने के पानी की बात है। जी हाँ, पीने का पानी जो है वो हो गया है। तीसरे सरदूत ने तुरी फूकने पर जो है एक बड़ा सा तारा जो था मशाल के समान जो जलता था वे स्वर्ग से टूटा। इससे पहले कि हम उस तारे के बारे में जाने कि वे कौन है, हम तारे के बारे में जान ले कि तारों की कंपेयरिंग यानी तुलना जो है वो किससे की गई है। और वो तारों की तुलना जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो 11 तारे यूसुफ को जो दंडवत कर रहे हैं, यूसुफ ने सपना देखा कि 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं और चांद और सूर्य भी जो है उसको दंडवत कर रहे हैं। तो वो सपना जो है वो अपने भाइयों को बताता है कि मैंने ये सपना देखा है। तो उसके भाई वहां पर ये कहते हैं कि तूने ये सपना कैसा देखा, नाराज होते हैं उसके भाई और क्या कहते हैं कि हम जो भाई हैं 11, हम तुझे दंडवत करेंगे, हम तुझे प्रणाम करेंगे। तो यहां पर जो है तारों का जो वर्णन दिया गया है वो लोगों से भी दिया गया है, यानी जो लोग हैं उनके बारे में भी। जब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 16 और 20 पद पढ़ेंगे तो वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 तारे हैं। ये 7 तारे जो हैं ये 7 कलीसियाओं के दूत को प्रकट किया गया है। ये 7 कलीसियाओं के दूत हैं। जी हाँ, जो प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया उनके दूत के बारे में कहा गया है। जब आप अय्यूब 38 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे तो भोर के तारे एक साथ जय जयकार करते थे। ये भोर के तारे जो है ये परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट करता है। जी हाँ, जब आप मत्ती 2 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे कि 3 ज्योतिषियों ने जो तारा देखा था, ये तारा जो था ये परमेश्वर का सरदूत था जो उन ज्योतिषियों को जो है वो मार्गदर्शन उनका कर रहा था। जी हाँ, यहूदा की पत्री को जब आप पढ़ेंगे और एक ही चैप्टर है वो उसका 13 पद, ये डामा वहां पर लिखा है, ये डामा डोल जो तारे हैं ये वो तारे हैं जो स्वर्ग से गिरा दिए गए थे। एक तिहाई तारे जो है वो शैतान के साथ, इबलीस के साथ जो है वो गिरा दिए गए थे जिन्होंने उसकी बात को माना था। फिर जब आप यशया 14 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे वहां लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, ये जो था ये प्रधान सरदूत था जिसको इबलीस कहा गया, भोर का चमकने वाला तारा था, ये पृथ्वी पर गिरा दिया गया। या मशाल के समान चमकने वाला तारा
ये था, ये भोर का चमकने वाला तारा था, शाइनिंग करता था, ये चमकता था, और ये जो है ये गिरा दिया गया। और आज भी जब आप दूसरा कुरंतियों 11 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे तो ये जो भोर का चमकने वाला तारा था, जो प्रधान सरदूत था, जो करूप सरदूत था, जो छा जाने वाला सरदूत था, ये गिरा दिया गया। ये आज भी अपना रूप बदलता है, और किस तरीके से बदलता है, जब आप दूसरा कुरंतियों 11 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि ये ज्योतिमय सरदूत का रूप धारण करता है। ये कुछ अचंभे की बात नहीं कि वो शैतान जो है वो ज्योतिमय सरदूत का रूप धारण करता है। अब स्वर्ग से टूटा, स्वर्ग से टूटने का अर्थ है कि स्वर्ग से निकाला गया। आपने यशाया 14 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे तो कैसे आकाश से गिर पड़ा। आकाश शब्द आया है इंग्लिश में, हेवन शब्द आया है, यानी स्वर्ग से जो है वो निकाला गया है। अब उस तारे का नाम जो है वो नागदौना है। अब नागदौना जो है, जरा ध्यान दीजिएगा अब इस बारे में क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है उस तारे अर्थात स्वर्दूत का नाम नागदौना, जिसका अर्थ है कड़वा विषैला। अर्थात स्वर्दूत का नाम जो है वो कड़वा विषैला है। ये स्वर्ग से जब गिराया गया तो इसे परमेश्वर की पूरी सृष्टि को इसने कड़वाहट से भर दिया। ये ध्यान दीजिएगा, ये उस शैतान की बात हो रही है। ये शैतान जो है ये वहां पर जो है उस तरीके से जो है वो कार्य कर रहा है कि जब वो आया तो इस पूरी पृथ्वी को जो है उसने विषैला बना दिया है। परंतु यहां पर जो बात हो रही है, जो तारा जो है मशाल के समान टूट कर गिरा है नागदौना सा, यहां पर एक विशेष बात है। ये तो उस तारे की बात है जिसने पूरे संसार के को विषैला बना दिया अपनी कड़वाहट से, अपने बुराइयों से, इंसान के जीवन को बुराइयों से भरकर परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया। परंतु यहां पर टूटने का मतलब क्या है कि वो जो एक स्वर्दूत है वो स्वर्ग से भेजा गया है, और विशेष तौर से इस बात के लिए भेजा गया है कि जितने भी पीने के जल हैं, देखिए वहां लिखा नदियों, पहले नदियों का पानी ही पिया जाता था, और जो सोते थे वो उनका पानी जो है वो पिया जाता था क्योंकि बड़ा शुद्ध होता था। आजकल तो नदियां बिल्कुल दूषित हो गई हैं, पहले कुएं हुआ करते थे, सोते हुआ करते थे, अब तो कुएं सब खत्म हो गए हैं। यानी जो मनुष्य के पीने का जल है उसके वो जल क्या है, वो विषैला बन गया। आज देख लीजिए आप, बिल्कुल परमेश्वर का वचन बिल्कुल सही कहता है, आज नदियों का पानी कौन पी सकता है, इतना विषैला हो गया है। आज आपको सोते जो हैं वो दिखाई नहीं देंगे, अगर दिखाई देंगे तो वो पीने के लायक नहीं होंगे। आज कुएं जो हैं वो बड़े गंदे पड़े हुए हैं, उनके अंदर पानी जो है वो पीने के लायक रह नहीं गया है। क्यों? क्योंकि सब जो है वो दूषित कर दिया गया है। जब ये सरदूत जो है जब तुरी फूकता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये तीसरे सरदूत ने जो तुरी फूकी है, जब ये भेजा गया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये भेजा गया है तो किस तरीके से परमेश्वर ने जो है जल पर जो है वो भेजा है। क्यों? क्योंकि ये किस लिए हुआ है, क्योंकि ये किस कारण हुआ है, क्योंकि मनुष्य जो है वो बुराई बुराई कर रहा है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप एजिकल 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि लोग जो है पानी जो है वो नाप नाप कर पिया करेंगे, बहुत नाप नाप कर पिया करेंगे, मोल लेकर पिया करेंगे। आपको पैसा, और आज ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट होती है कि आज जो पानी जो है हम लोग क्या है पानी को मोल लेकर पी रहे हैं। और आज बहुत सी जगहों में, हम अपने हिंदुस्तान में देख लें, आप चाहे साउथ में चले जाइए, आप चाहे राजस्थान इलाकों में चले जाइए, पानी की बहुत कमियां हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र है, साउथ है, और राजस्थान जैसी जगहों में तो पानी की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा, और पीने का पानी तो और भी ज्यादा जो है महंगा है। अब ये सोचिए कि क्यों इंसान के जीवन में पानी की कमी हो रही है, और परमेश्वर का वचन हर चीज को बता रहा है। क्यों बता रहा है कि कैसे पानी की कमी होगी और किस तरीके से पानी की कमी होगी। अभी अभी ये सोच लीजिए, ये तो पानी की कमी है, मगर कहते हैं नागदौना सा कड़वा विषैला, अभी तो और विषैला हो जाएगा। अभी तो आपके घरों में आरओ लगे हैं,
आप फिल्टर करके पानी पीते हैं, आप कहीं बाहर से बहुत से लोगों के जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जो वो विदेशों से पानी मंगाते हैं, मैंने सुना है जिनके पास बहुत पैसा है उनका पीने का पानी इटली से आता है। सोचिए आप कि आप अभी तो मंगा रहे हैं मगर पूरी दुनिया के अंदर जब पानी दूषित हो जाएगा, आपके आरओ काम नहीं करेंगे, आपके फिल्टर काम नहीं करेंगे, और आप जो देश विदेशों में भी वही हाल होगा, आप वहां से भी पानी नहीं मंगा सकेंगे, फिर क्या हाल होगा, स्थिति कैसी होगी। अभी जब ये हाल है, अभी तो पानी की कमी है, और पानी की कमी क्या, दूषित हो चुका है, पानी कड़वा हो सकता है, आप नदी का पानी पी नहीं सकते हैं, आप जो है किसी कुएं का पानी पी नहीं सकते हैं, आज की इस डेट में आप सोतों का पानी पी नहीं सकते हैं, जब तक आप फिल्टर नहीं कर लेंगे, जब तक आप औरों से पानी निकाल नहीं लेंगे, तब तक आप उस पानी को पी नहीं सकते हैं। अब सोचिए आने वाला समय जो है वो आपके फिल्टर भी फेल हो जाएंगे और आपके औरों भी फेल हो जाएंगे, और जिस तरीके से पानी को आप शुद्ध करने में लगे हुए हैं कि वो पीने लायक हो जाए, वो भी पीने लायक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है इस दुनिया के लोगों से बहुत नाराज हो चुका है। शैतान ने अपना काम करा। जब शैतान अपना काम करता है, हम उसकी बात को इतना मांगते हैं, तो परमेश्वर भी तो अपना काम कर रहा है, परमेश्वर भी तो अपना काम करता है, तो उसकी बात को हम क्यों नहीं मानते हैं। अगर हम शैतान की 100 बातों को मानते हैं मगर परमेश्वर की एक बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा जीवन जो है, देखिए इस संसार में दो शक्तियां काम करती हैं, एक शैतान की, एक परमेश्वर की। हम किसको ज्यादा रेफरेंस देते हैं, हमारे जीवन में जिसके काम ज्यादा दिखाई देते हैं तो हम उसको ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर को नहीं देते हैं। और इसलिए इस संसार के अंदर इतनी बुराई, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, पुरन, ये बहुत सी बातें मैं कई बार बता चुका हूं, ये सब कुछ इतना तादाद में हो गया है कि परमेश्वर जो है वो नाराज हो गया है, वो क्रोधित हो गया है, और इसलिए इससे दुनिया पर विपत्तियां भेज रहा। क्यों भेज रहा है? देखिए, जब किसी का बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर गलत रास्ते पर जाता है या गलतियां करता है तो माँ बाप उसको डांटते हैं, उसको पीटते हैं। पहले के समय में, आजकल तो ये मारपीट कम हो गई, पहले के समय में तो माँ बाप है, गुरुजन जो हुआ करते थे, हमारे टीचर्स जो अध्यापक हुआ करते थे, वो बहुत मारते थे, डंडों से भी, हाथों से भी, और डस्टर होता था उससे भी, माँ बाप भी जो है संटी से जो है या बेस से हम लोगों की पिटाई होती थी। क्यों मारते थे? लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने बच्चे से प्यार करता है वो उसे छड़ी भी दिखाता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे इसलिए वो ताड़ना भी देता है। लिखा ना कि परमेश्वर जिसे पुत्र बना लेता है उसे ताड़ना भी देता है अगर वो गलत रास्ते पर है या वो गलती कर रहा है। अब परमेश्वर ताड़ना कैसे देगा? यही मुसीबत भेजकर, यही परेशानियों में डालकर। और जब हम परेशानियों को समझते हैं कि परमेश्वर की ताड़ना है और परमेश्वर को अपनी परेशानी, अपनी मुसीबतों में पुकारते हैं, तो वो हमें निकालता भी है ताकि हम सुधर जाएं। पहले जब हमारी मार पिटाई होती थी, डांट पड़ती थी, तो हमारे सुधार के लिए, आज भी बहुत से लोग गलत काम करते हैं, कुछ करते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है। क्यों डाल देती है? क्यों पुलिस पकड़ती है? क्यों जेल में डाल देती है? क्यों जो हमारे जज हैं, अगर कोई गलत होता है तो वो न्याय करते हैं और कहते हैं हाँ इसने गलती करी है, इसे जेल में डाल दो। क्यों होता है ऐसा? ताकि हमारा सुधार हो सके, हम बुराई से मन फिरा सके। और यही परमेश्वर का भी नियम है, परमेश्वर वो ताड़नाएं इसलिए देता कि हम सुधार सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, हम अपने जीवन को सुधारें और उन विपत्तियों से बच जाएं ताकि वो विपत्तियां हम पर ना आने पाए। अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें ताकि सारी मुसीबतों से बच जाए। परमेश्वर की ताड़ना को समझें, उसके प्रेम को समझें। उसकी ताड़ना उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है, उसकी करुणा है जो हम पर प्रकट होती है, क्योंकि वो बचाना चाहता है। आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और अपने आप को बचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।